नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रावी नदी के ऊपर संबंधित है, जिसमें हम रावी नदी के पुल, रावी नदी के ऊपर जो भी ट्रिब्यूटरी साथ साथ में बहती हैं वो, और कौन कौन सी घाटियां साथ साथ में बनाता है, वो सारी चीज़ें हम आज हम देखेंगे। इसी के साथ साथ जो प्रीवियस वीडियो हमारी चिनाब रिवर की थी, तो वहाँ पर कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट ब्रिज नहीं है कि जो मैं आपको बताऊँ हिमाचल प्रदेश में, लेकिन चिनाब नदी के ऊपर एक ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में है, उस ब्रिज का नाम है चिनाब ब्रिज। जो चिनाब, वो ब्रिज जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो पूरे के पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित आर्क वाला ब्रिज है, रेलवे ब्रिज। रेलवे ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित आर्क ब्रिज है वो चिनाब ब्रिज, ठीक है। अगर आप इस ब्रिज के बारे में देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। जो आईफिल टावर है उससे लगभग 35 या 25 मीटर ज्यादा ऊंचाई है उसकी, उस पुल की, ठीक है। तो आज की जो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों रावी नदी से। चलिए, रावी नदी देखो, ये जो रावी नदी है इसका एक सांस्कृतिक नाम है और एक है इसका वैदिक नाम। एक इसका सांस्कृतिक नाम है और एक है वैदिक नाम। देखो, पता तो सभी को है कि रावी के कौन कौन से नाम है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सांस्कृतिक कौन सा है, वैदिक कौन सा है। तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी नाम सांस्कृतिक होगा तो वो होगा आसान वाला, जो संस्कृत वाला नाम होगा वो होगा आसान, और जो वैदिक नाम होगा वो होगा मुश्किल। तो रावी नदी का जो सांस्कृतिक नाम है वो है इरावती। वो क्या है? वो है इरावती। और जो रावी नदी का वैदिक नाम है वो है पुरुषणी। कई बार इस तरह से आता है पुरुषणी, कई बार इस तरह से आता है पुरुषणी। तो कुछ भी आए तो ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो रावी नदी है ये बहती कितने जिलों में है? रावी नदी हिमाचल प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेवल करती है। कहां पे ट्रेवल करती है? हिमाचल प्रदेश की दो डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल करती है। एक कांगड़ा में ट्रेवल करती है और एक चंबा में ट्रेवल करती है। एक कांगड़ा में और एक चंबा में। मेनली ये जो रावी नदी है ना, ये सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है आपकी चंबा में, ठीक है। कहां करती है ट्रेवल? चंबा में करती है। यही वो है रावी नदी है दोस्तों, क्योंकि देखो चंबा में मेनली जो श्रृंखला पाई जाती है, मेनली कह रहा हूं, मोस्ट ऑफ दी वो पाई जाती है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो रावी नदी वो नदी है जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से धौलाधार पर्वत श्रृंखला को अलग करती है। तो आपको अगर सवाल में पूछा जाए कि कौन सी नदी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से धौलाधार पर्वत श्रृंखला को अलग करती है चंबा में, तो तब आपने कहना है रावी नदी। लिखाऊंगा आगे ना, साथ साथ में बता रहा हूं। देखो, ये जो रावी नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? मोस्ट ऑफ दी बुक्स में या आपको कुछ सोर्सेज में बता दिया गया होगा रावी नदी का जो उद्गम है वो है बड़ा बंगाल से। मैं भी कहता हूं कि बड़ा बंगाल से ही है, पर कई बार क्या रहता है दोस्तों, ये ऑप्शन में अगर नहीं आता है तो, अगर बड़ा बंगाल ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर आप क्या करेंगे? तो लिखिए, रावी नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो आपके दो हिमखंडों से निकलकर बनता है। हिमखंड यानी दो ग्लेशियर। रावी नदी का उद्गम या लिख दीजिए, और या तो बड़ा बंगाल आ जाएगा या आपको आएगा कि रावी नदी का उद्गम दो हिमखंडों से है, एक है मादल और एक है तांतगिरी। एक है मादल और एक है तांतगिरी। इन दो हिमखंडों का जो पानी आता है वो किस चीज का निर्माण करता है? रावी नदी का निर्माण करता है। बट ऐसा नहीं है कि जो मादल हिमखंड और तांतगिरी हिमखंड से जो पानी आया जिस पॉइंट पे वो मिला वो कोई काफी फेमस पॉइंट है, ऐसा नहीं है। जस्ट सिर्फ इतना सा आपको पूछा जा सकता है कि रावी नदी का उद्गम या रावी नदी का जो पानी है वो किस हिमखंड से आता है, या तो मादल आ जाएगा या तो तांतगिरी आ जाएगा या दोनों आ जाएगा, तो फिर आप दोनों कर लेना।
अब यही वो नदी है जो मैंने आपको क्या बताया, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से किसे अलग करती है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला को ये अलग करती है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से धौलाधार पर्वत श्रृंखला को कौन अलग करता है, वो करती है रावी नदी। अब रावी नदी देखो दो डिस्ट्रिक्ट्स में वही, मान के चलिए कि यहां जैसे आपका बड़ा बंगाल है ना, यहां जैसे कांगड़ा में बड़ा बंगाल, तो यहां से ये रावी नदी गई इस तरह से गई और यहां से चली गई पंजाब। तो ये जो रावी नदी है, एक तो ये पीर पंजाल से धौलाधार को अलग कर रही है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये चंबा को दोस्तों दो भागों में डिवाइड भी करती है। चंबा को दो भागों में जो डिवाइड करती है नदी, वो ऑप्शन में अगर आपको आएगा तब भी आपने रावी नदी ही डालना है, ठीक है। अब रावी नदी के दो पॉइंट हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, एक जहां से वो चंबा में प्रवेश की, दूसरी जहां से उसने चंबा को छोड़ा। दो पॉइंट हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, पर उससे पहले, इन चीजों से पहले हमें बहुत सारी चीजें और पढ़ने के लिए, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत बेसिक सी हैं और हर जगह मिल जाएंगी, इन्हें भी करवाएंगे। देखो रावी नदी के आपने दो नाम मेनली सुन रखे होंगे, एक इरावती और एक पुरुषनी। मैं आपको कुछ और चीज बताने के लिए आपके पास हमेशा आता रहता हूं, है ना, और आप इसी चीज का भरोसा करते हैं और आप बार बार आप इन्हीं वीडियोस को देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लिखिए, रावी नदी को कहते तो इरावती है, लेकिन जो वहां की स्थानीय भाषा है, जो वहां की स्थानीय भाषा है, वो रावी को रावी या इरावती नहीं कहते हैं, वो कहते हैं रौती, वो के कहते हैं, वो कहते हैं रौती। अगर आपको पूछा जाए कि रौती नदी हिमाचल प्रदेश में किन दो जिलों में बहती है, तो आपको कोई आइडिया नहीं होना था, वो बहती है दोस्तों कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सिकंदर महान, सिकंदर महान ने दोस्तों रावी नदी को दो नामों से पुकारा था, बहुत जरूरी है। तो लिखिए, सिकंदर महान ने रावी नदी को दो नामों से पुकारा, हाइड्रास्टर और रहोडिस, हाइड्रास्टर और रहोडिस, इन्हें हिंदी में भी इसी तरह से लिखेंगे, है ना, रहोडिस हाइड्रास्टर। रावी नदी को सिकंदर महान के द्वारा दो नामों से पुकारा गया, एक हाइड्रास्टर कहा गया और एक क्या कहा गया, रहोडिस कहा गया। और इसका जो स्थानीय नाम है, जो वहां के लोग उसे कहते हैं, वो कहते हैं रौती। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेवल करती है, वो ट्रेवल करती है 158 किलोमीटर। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कितना ट्रेवल करती है, 158 किलोमीटर ट्रेवल करती है। बाद में जब ये पंजाब चली जाती है दोस्तों, तो ये भी सिंधु नदी भाग का तंत्र है, ठीक है, ये भी किसका तंत्र है, सिंधु नदी भाग का तंत्र है। उसके बाद ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती है, वो चीज़ हम बाद में जब देखेंगे, जब वो कभी हमें समय लगेगा, ठीक है, आगे चलिए। देखो अब ये जो रावी नदी है, इसके ऊपर कोई ना कोई ब्रिज बने हुए होंगे, ठीक है, रावी नदी के ऊपर कोई ना कोई ब्रिज बने हुए होंगे। तो लिखो, रावी नदी के ऊपर जो प्रसिद्ध पुल हैं वो कौन कौन से हैं। अभी हम मैप पर नहीं आए हैं, मैप पर हम थोड़ी देर में आएंगे, उससे पहले रावी नदी के जितने भी फैक्ट हैं वो आप अच्छे से लिख लें। लिखिए, रावी नदी के ऊपर एक पुल है, उस पुल का नाम है खड़ामुख। दोस्तों एक चीज है खड़ामुख और एक है खड़ा पत्थर। खड़ा पत्थर कहीं और है और खड़ामुख कहीं और है। ये जो खड़ामुख है, लिखिए, ये रावी नदी के ऊपर ब्रिज है और ये जो है चंबा और भरमौर सड़क पर है। चंबा और भरमौर सड़क पर एक और ब्रिज है, जिस ब्रिज का नाम है दोस्तों राख। ये भी चंबा और भरमौर के बीच में ही है, जिस पुल का नाम है राख, ठीक है जी। आगे लिखिए, चलिए थोड़ा मैप में आ जाते हैं, क्योंकि हमने काफी ज्यादा फैक्ट कर लिए, उसके बाद दोबारा से इस पे आ जाएंगे।
देखो जब ये रावी नदी यहाँ से निकली, जब ये चंबा में प्रवेश की, जिस स्थान से ये चंबा में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दोस्तों बलोज। जिस स्थान से ये चंबा में प्रवेश की उस स्थान का क्या नाम है? बलोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और जहां से ये चंबा को छोड़ती है वो है खैरी। खैरी नामक स्थान से ये चंबा को छोड़ करके पंजाब में चली जाती है और बाद में सिंधु नदी तंत्र में आगे जा करके ये सारी नदियां एक जगह पर मिलती है जिस जगह का नाम है मिठानकोट। ऊपर से जम्मू कश्मीर से आपकी एक नदी आएगी चिनाब नदी, फिर आती है झेलम नदी, फिर आती है चिनाब नदी, फिर आती है रावी नदी, फिर आती है सतलुज नदी। सतलुज नदी में ब्यास नदी मिल जाती है दोस्तों, ठीक है, हरिकापतन में पंजाब में, और ये आगे जाके सिंधु नदी तंत्र का एक भाग बन जाती है, बाद की बात है, ठीक है। तो देखो अगर मेनली अगर आपको रावी नदी से सवाल आया तो यहां से सवाल मेनली पूछ लिया जाएगा, लेकिन हम इससे भी ज्यादा डीप अब आगे की ओर चलेंगे। अब देखो कोई भी नदी जो है वो बड़ी नदी तभी बनती है जब उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ जाती हैं। तो अब लिखो रावी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, रावी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके नाम लिखिए, ट्रिब्यूटरीज ऑफ उपनदी, मतलब ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी उपनदी, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी नदी लिख सकते हैं। तो रावी नदी की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है दोस्तों सियूल। ये बताना था मुझे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे इसमें सबसे ज्यादा लगता है, रावी नदी की जो सबसे बड़ी नदी है उस नदी का नाम है दोस्तों सियूल। ये दोस्तों रावी नदी में एक स्थान है, रावी नदी जहां से बह रही होती है वहां पे एक स्थान है, उस स्थान का नाम है बनोटा। तो आप देखिए ये रावी नदी में किस स्थान के पास मिलती है? बनोटा के पास। अब लिखते रहना है, ट्रिब्यूटरी क्या थी? सियूल। और ये रावी नदी की कैसी ट्रिब्यूटरी है? सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये रावी नदी की, सबसे जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है सियूल। सियूल के बाद लिखिए दोस्तों साल। सियूल के बाद लिखिए साल। देखो अगर आपको बताना है तो ये कहां पर मिलती है तो बता सकता हूं, लेकिन ये आपको पूछा नहीं जाएगा। जो साल मिलती है ये मिलती है चंबा के पास। साल कहां पर मिलती है? चंबा के पास मिलती है। साल के बाद लिखिए दोस्तों बुडिल। बुडिल ये मिलती है भरमौर के पास। ये कहां पर मिलती है? भरमौर के पास मिलती है बुडिल। के बाद लिखिए दोस्तों छंछू नाला। छंछू नाला, देखो ऐसे तो ये जो छंछू नाला है ये मिलता है सियूल में। छंछू नाला कहां पर मिलता है? सियूल में मिलता है, यानी जिस तरह सियूल रावी नदी को जल देती है उस तरह से छंछू नाला सियूल को जल देता है। जहां पर छंछू नाला सियूल में मिलता है, जैसे मान लो कि ये सियूल रिवर बह रही है तो यहां पर छंछू नाला आएगा। जिस स्थान पर छंछू नाला सियूल नदी में मिलता है उस जगह का नाम है टिकरी खास। उस जगह का क्या नाम है दोस्तों? टिकरी खास। छंछू नाला कहां पर मिलता है? टिकरी खास के पास सियूल नदी में मिलता है। कुछ और भी इसकी ट्रिब्यूटरी है जो रिवर सियूल है, एक जो मैंने आपको बताई, अच्छा वो बताई नहीं, एक लिखिए सियूल की और ट्रिब्यूटरी है क्योंकि तभी इतनी बड़ी बनती है, उसका नाम है बैरा। या तो आपको आ जाएगा कि सियूल की ट्रिब्यूटरी क्या है तो तब आपने बैरा कहना है, अगर सियूल नहीं आएगा तो रावी भी कह सकते हैं क्योंकि रावी को भी तो जल्दी ही रही है, तो बैरा भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद लिखिए दोस्तों चिड़चिंद नाला। चिड़चिंद नाला, चिड़चिंद नाला भी रावी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद लिखिए दोस्तों बांदर तंतगिरी। बांदर तंतगिरी, और एक आखिरी ट्रिब्यूटरी लिख लीजिए दोस्तों जिसका नाम है छतराणी। बांदर तंतगिरी और आखिरी लिख लीजिए छतराणी। तो हमने कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो है रावी नदी की देखी? देखो सियूल,
हो गया, साल हो गया, बुडिल हो गया, छंछूनाला हो गया, चिड़चिंदनाला हो गया, बांदर हो गया, तंतगिरी हो गया, छत्राणी हो गया और बैरा हो गया। ये जो है सारी की सारी क्या है, उपनदी है। किस नदी की? रावी नदी की। ठीक है, रावी नदी अगर आपको पूछा जाए कि किसके समीप बहती है, तो दोस्तों ये चंबा और भरमौर के समीप में जो है रावी नदी बहती है। इसके उपनाम भी कर लिए, कितना हिमाचल प्रदेश में बहती है वो भी कर लिया। ना तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ना तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, इस तरह का कोई सवाल नहीं पूछेंगे। वैदिक नाम और सांस्कृतिक नाम पूछे जा सकते हैं। रावी नदी के ऊपर जो ब्रिज है वो हमने कर लिए, और रावी नदी के समीप में कोई ऐसी खास फेमस वैली नहीं है कि जो हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान करे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था रावी नदी के ऊपर दोस्तों, यहीं पे फिनिश होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।